अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये हमारी 500 अंडे की मशीन है, इसका आपको रिव्यू कराते हैं। यह इसका ब्रेकर है ऑन ऑफ का, ये कंट्रोलर लगा हुआ है XM18D, आप चेक कर लें। ये ब्रेकर है ऑन ऑफ का, ये चेक करें, मशीन ऑन हो गई है, ब्रेकर को ऑन किया है, ये देखें। उसके बाद ये है फैन, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये फैन, ये लाइट के लिए है। देखें, लाइट जब बंद हो जाती है, आप चेक करना चाहते हैं कि मैं अंदर से अंडा चेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए है, ये हमने ऑन कर दिया। उसके बाद ये देखें, आपने खोलना, मशीन ओपन कर ली है, ये टर्निंग। अगर कोई बंदा बीप से परेशान है, वो कहता है कि बीप मैं नहीं चलनी चाहिए, ये बटन दबाएंगे तो बीप ऑफ हो जाएगी। ये टर्निंग अब आपको दिखाने लगूंगा, ये देखें मोटर टर्न कर रही है, चेक करने के लिए टर्न हो गई है, ये टर्निंग चेक करवा रहे हैं, ये आपको टर्निंग चेक करा देते हैं, ये दे रहे हैं, मशीन टर्न कर रही है। ये इधर जब इसके साथ अटैच होता है, आपने ये देखना, उसके बाद ये दूसरी साइड पे जाता है, ये डीपी लगी हुई है, उसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर खुद का खुद ही अपनी साइड चेंज कर जाता है। चेक कर, ये देखें, उसके साथ जब अटैच होगा ना, ये देखें अटैच हो गए, अभी देखें टर्निंग हो रही है, साइड को अपनी में चेंज कर रहा है, टर्निंग किस बटन के साथ होती है, ये मैंने प्रेस किया हुआ है, आपने इसको छेड़ना नहीं है, ये अगर आप चेक करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो चेकिंग के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। ये देखें ट्रे नीचे आ रही है, चेक कर लें, इसमें हर ट्रे में 88 एग लगते हैं, जो हमने ट्रे लगाई हुई है, आप इसमें अलग अलग 88 भी लगा सकते हैं। ये देखें 88 टैग की ट्रे है, इसमें आप हर में अलग अलग भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमने एक टर्बो सिस्टम लगाया हुआ है, जब हीट शूट गर्मी में होती है एग्जास्ट के लिए। उसके बाद भाईजान, जब आप अटैच करते हैं इसके साथ, ह्यूमिडिटी फायर ज़्यादा भाइयों को नहीं पता लगता है किस तरह अटैच करते हैं। ये पाइप है, ये आप देखें, इसको आपने इधर से ये सुराख से आपने बाहर निकाल देना, ये देखें इधर ये बाहर आ गए। इसके साथ आपने ह्यूमिडिटी फायर अटैच करना है, वो भी करके निकाल देता हूँ। और ये ट्रे होती है, ये वाली ट्रे हैचिंग की, जब फ़र्ज करें आपका 18 दिन हो गए, 18 दिन के बाद आपने अंडे इधर से निकाल के ये ट्रे बाहर रख देनी है, ये हैचिंग वाली ट्रे है, ये आपने इसके अंदर रख देनी है, ये देखिए इसके अंदर आपने अंडे लगा देने हैं, ये हैचिंग करेगी। और ये इसके साथ हम इजाफी मीटर देते हैं, ये इसलिए देते हैं कि आपने इधर ही रखना है, चाहे हैचिंग हो चाहे हैचिंग ना भी हो, ये मशीन के अंदर रहेगा। इसके ऊपर इधर 37.5 टेम्परेचर, 37.5 ह्यूमिडिटी, 65 से 75 होनी चाहिए। मशीन ये बीप उस वक्त करती है जब इसमें कोई मसला आता है, तो टेम्परेचर भी मैं आपको जो है अलग वीडियो बना के भेज दूँगा किस तरह सेटिंग करनी है आपने। ये देखें जो लाइट ऑन ऑफ है, और ये देखें ये स्विच है ना, कई बंदों को इनकी समझ लगती है, अगर आप ये तीनों पे एक बार ये करना चाहते हैं कि हमने तीनों पे एक बार ही हैचिंग करानी है, तो इस तरह निकालना, आपने चेक कर लेना, जिस तरह आप निकाल रहे हैं इधर ए लिख लेना, इधर बी, उसी तरह इसको लगाना है, लीगर लगा लेनी है, इधर रेड इधर ग्रीन, उसी तरह इसके अंदर लगाना है, यह भी निकाल देना है। ये 18 दिन के बाद जब आपने हैचिंग करानी है, उस वक्त का उसका टाइम पीरियड है। और आपने ये वाली तार के साथ ह्यूमिडिटी फायर ज्वाइन करना है, और उसको इस पाइप के साथ कर देना है नीचे रख के। ये ह्यूमिडिटी फायर है, इसमें पानी डालने का तरीका ये होता है, ये इसका बटन बना हुआ है, देखें आप, ये आपने इस तरह खोल लेना है, इस तरह करेंगे खुल जाएगा, इसके अंदर पानी डाल के आपने फिर ये इसके ऊपर इसी तरह रख देना, इस तरह इसके ऊपर फिट आ जाएगा ये। अगर पानी एक मिनट भी इसमें ख़त्म हो गया तो सड़ जाता है, अगर सड़ गया तो फिर आप गया, फिर नई कीमत दे गया आपको लेना पड़ेगा ये।
ये इधर आपने रखना है, ये आपने इसके अंदर लगा देना ऐसे, ये देख लें ये इधर अटैच है। ये वाली तार आपने मशीन के साथ इस तरह, ये वाली तार इस तार के साथ आपने अटैच कर देनी है।